एसएससी जेई कितना दिन बचा है? 5 डेज। तो 5 डेज मंडल का 10 टिप्स। सबसे पहला विषय है कि अभी आपके पास कंप्लीट रिवीजन के लिए कोई टाइम नहीं है, सिर्फ जो शॉर्ट नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स मैंने अलग अलग से बनाने दिया था, शॉर्ट नोट कुछ बना के भी मैं दिया था, थर्मोडायनामिक्स का शॉर्ट नोट ही दिया था। तो ये सब सारे जो नोट्स आपके पास पड़ा हुआ है, सिर्फ उसी को पढ़ते रहो। डोंट टच, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन से प्यार करके बैठा कि इसको तो मैं करके रहूंगा, तो आप वहीं से फेल होना शुरू हो जाओगे। देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा, इसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसमें बहुत टाइम लेगा, तो क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि आप 200 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। ध्यान रखे, 160 मार्क तक चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब क्या होता है कि आपको 200 क्वेश्चन तो टारगेट भी नहीं करना है, ठीक है? 200 क्वेश्चन का टारगेट लेना ही बेकार है। इसलिए टारगेट में उसको तो जो 20 25 30 क्वेश्चन तो ऐसे आपका ध्यान रखना है, डोंट टच वाला आएगा। तो इसके कारण जो डोंट टच क्वेश्चन दिखे उसको छोड़ के आगे बढ़े। और ये भी है कि दोबारा मैं क्वेश्चन देखूंगा ये सोचना भी नहीं। ये ऐसा एग्जाम है, 200 क्वेश्चन, 200 120 मिनट में देना है। एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड के आसपास मिलता है। तो इसके चक्कर में आपको रिवाइज रीचेक करने का कभी मौका नहीं देगा। एने वन इन वन पास, एक बार में ही करना है। इसलिए कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पढ़े एंड एक ही बार में आंसर दे, कि दोबारा देखूंगा दिमाग में बात रखना भी नहीं है। एंड मंडल जैसे बोलता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो पुराना क्वेश्चन का कोई भी इंफॉर्मेशन आपका दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आप उस एग्जाम के पूरा एग्जाम के टाइम में दोबारा देख भी नहीं पाओगे। तो उसका ब्रेन से उतारना जरूरी है, पुराना वाला क्वेश्चन जो आपने किया खत्म कर दिया, जब आपने ऑप्शन टिक मार दिया उसके बाद वो पुराना क्वेश्चन हो गया। वो फिर पुराना गर्लफ्रेंड की तरह, पुराना वाला जो एक्स की तरह, उसको डम कर देना है, मतलब दिमाग से उतार देना है। अगर उसको दिमाग में रखकर लेके बैठे रहोगे तो नया में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए आपको क्या होना है, पुराना वाले को एकदम, जितना जो आदमी एक्स को जितना जल्दी से डिलीट कर पाता है वो उतना नए में अच्छा फोकस कर पाता है, उतना खुश होकर जिंदगी जीता है। सेम चीज है क्वेश्चन के लिए, जब जो क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन में फुल फोकस रहे, एक्स में फोकस ना रखे। एक्स जो एक्स क्वेश्चन है उसमें फोकस ना रखे, फोकस मतलब जीरो कर दे, उसको ब्रेन से ही डिलीट कर दे कि वो क्वेश्चन में किया भी था। आप जो क्वेश्चन में फोकस कर रहे हो उसी में फुल फोकस रहे, सो दैट आपको आपको क्या होता है, गलती नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखे, एक क्वेश्चन जैसे टिक मार दिया इसके बाद दोबारा देखने का आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। 200 क्वेश्चन पढ़ने का ही 1 घंटे से 2 घंटे ज्यादा लगेगा। ये जो 200 क्वेश्चन है उसको सिर्फ पढ़ने का 2 घंटे से ज्यादा लगेगा। इसके कारण आपको फटाफट आना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग सेट वाइज। अभी क्या करना है कि रीजनिंग का क्वेश्चन आपको सेट वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे 50 क्वेश्चन आपको करना है, 50 क्वेश्चन एट टाइम करना है, और ऑल वैरायटी का क्वेश्चन साथ रहना चाहिए। इसलिए सेट वाइज ही प्रैक्टिस करें, ऑल वैरायटी का क्वेश्चन साथ साथ रहेगा। अब क्या होता है, कुछ बंदा का एग्जाम है, मान लो मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ा, किसी का आफ्टरनून स्लॉट में पढ़ा, जिस नून स्लॉट में पढ़ा उसी नून में आप टेस्ट देना प्रैक्टिस करो, तो फिर बॉडी क्लॉक उस हिसाब से सेट होगा, सो दैट आपका एक्चुअल एग्जाम में जाके दूसरा टाइप का दिमाग ना चले। क्योंकि उस टाइम में आपको क्या होगा, बॉडी क्लॉक ऐसे सेटअप हो जाता है कि आप जो करते रहते हो वही चलता रहेगा। आप बोला जीके, देखो करंट अफेयर्स और आपका जो चीज है बहुत बड़ा है, उसको जितना भी पढ़े खत्म नहीं होगा। तो जो स्टैटिक जीके है उसमें अभी फोकस करें, अभी कोई भी करंट अफेयर्स का नया चीज में बिल्कुल नहीं फोकस करना है। नो न्यू थिंग्स नाउ, ओनली स्ट्रेटेजी के में ज्यादा फोकस करें। एंड पेपर हमेशा क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उससे होना चाहिए, क्योंकि आप अगर टेक्निकल में स्ट्रांग हो तो आपने टेक्निकल से शुरू करो, आप अगर रीजनिंग में स्ट्रांग हो तो आप रीजनिंग से शुरू करो। मतलब जो चीज आपका स्ट्रांग है आप जानते हो, सिर्फ उसी से पेपर शुरू करें। तो शुरुआत जो है शुभ गणेश अच्छा होगा तो पूरा पेपर अच्छा जाएगा। शुभ शुरुआत इसको बोलता है। तो शुभ शुरुआत के लिए आपको इसमें कोई कटऑफ सेक्शन कटऑफ नहीं है, टोटल मार्क्स चाहिए। आप टेक्निकल से लेके आओ, रीजनिंग से लेके आओ, आपने जीके से लेके आओ, आपको मिलेगा टोटल मार्क्स। तो इसके चक्कर में कोई सेक्शनल कटअप इसमें होता नहीं है। इसके कारण आप बिंदास जो सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसी से शुरू करें।
अगर आपको ऐसा मिले कि भाई मेरा तो टेक्निकल स्ट्रांग है तो टेक्निकल से शुरू करो। दूसरा बात हो रहा है जैसे ए बी सी डी करके, जैसे ए का नंबर वन पोजीशन वन, बी का पोजीशन टू, सी का पोजीशन थ्री, ऐसे ना पहले ही पेपर में लिख लिया करो ए से जेड तक किसका पोजीशन क्या है, सो दैट आपको ऐसे जो रीजनिंग का क्वेश्चन मिलता है उसमें फटाफट दिखे कि आपका आई का कितना वैल्यू है। नहीं है वो रटना तो पॉसिबल नहीं है, उसके चक्कर में वो आपका और हमेशा दिमाग में आएगा भी उतना जल्दी, इसके चक्कर में फटाफट लिख के रखना चाहिए। वो रैप पेपर में शीट में लिख के रख देना, ए का पोजीशन वन, बी का पोजीशन टू, ऐसे करके। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है तो हम बोलते हैं बिल्कुल टचअप को नहीं करना चाहिए, जो आपको थोड़ा सा डाउट रहता है। जिसमें 1/4 है उसमें हम बोलते हैं नहीं, आप थोड़ा सा टारगेट ले सकता है। मतलब जैसे मान लो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, तब भी आपको चांस लेना चाहिए। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने के कारण चांस लेने से फायदा ही होता है। मतलब ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन में आप चांस ले लें, जो क्वेश्चन में लगे कि ये दोनों का एक होगा उसमें आप चांस ले सकता है। तो सो दैट आपको क्या होगा, नेट पॉजिटिव उसमें आएगा। नेट पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो प्रोबेबिलिटी बताता है, नेट पॉजिटिव उसमें रिजल्ट आएगा। इसलिए आप दो एक दो ऑप्शन अगर एलिमेंट कर पाते हो कि ये तो पक्का मेरे गारंटेड है नहीं होगा, तो फिर आपका दो ऑप्शन में डाउट आ रहा है तो उसमें आप जरूर चांस ले, इसमें चांस लेना बनता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन टेक्निकल का करना है, नहीं 100 क्वेश्चन टेक्निकल का करना है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का करना है, 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का करना है, जनरल अवेयरनेस करना है। तो ये जो 50-50 क्वेश्चन है तो आपको तीन सेगमेंट है, तो इसके चक्कर में क्या करेंगे, किसी एक में पूरा टाइम भी खराब नहीं कर देना है। शुरुआत किससे करना मैंने बोला हूं, लेकिन जिसका जितना टाइम अलाउड है उसको उतना ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मंडल जो कहता है, डोंट टेक ट्रेस। अगर ब्रेन को आपने स्ट्रेस में डाल दोगे तो ब्रेन का कैपेबिलिटी कम हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन होता ही ऐसा है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो क्या होता है कि अगर आपने स्ट्रेस लेना शुरू किया तो वो बोलता है कि तू स्ट्रेस ले रहा है तो मैं ब्रेन में इतना खून फ्लो कराऊंगा कि जो है तू सोच भी नहीं पाएगा बाकी चीजें। तो आप किसका टेस्ट स्ट्रेस लेते हो, मेरे से सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप वो स्ट्रेस एग्जाम सेंटर में लेने का लायक नहीं है। आप एग्जाम सेंटर में हो, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देना है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उस टाइम में दुनिया भूल जाओ, सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन देखो, उसके आंसर देखो। अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आया, अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आया, तो ये तो गारंटेड है आपका मार्क्स अच्छा से मिल ही जाएगा, और अच्छा से मार्क्स मिलेगा तो सिलेक्शन अच्छा से हो ही जाएगा। बात को समझो, अगर मार्क्स अच्छे से मिला सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप स्ट्रेस लेके अगर 5 क्वेश्चन कम करके आया और आपका कट ऑफ से 2 मार्क्स कम रह गया, इसका मतलब आपका स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ द फेलियर। तो बोला सर नहीं, स्ट्रेस तो आता है, मुझे तो स्ट्रेस आ जाता है। वो आपने स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस ऐसे खुद से नहीं आता है। आप अगर कंप्लीट फोकस करोगे ऑन द टेस्ट तो आपका स्ट्रेस आएगा भी नहीं। और जब भी एग्जाम सेंटर में जाते हो तो उससे उससे पहले बिफोर द एग्जाम बहुत सारे कांड होता रहता है, ये नहीं हो रहा है, वो बैठ नहीं रहना है, ये चेयर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सीट नहीं मिल रहा है, ये इनविटर आके कुछ बोल रहा है, ये यहाँ पे साइन करा रहा है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट साइड में होता जाएगा। तो आपको उस टाइम में अंदर से बहुत शांत रहना पड़ता है। अंदर से शांत रहने के भी तरीका मेरा यूट्यूब में वीडियो सर्च करो मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम सेंटर में बैठ के आपको कभी स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड यस, जो आपका डॉक्यूमेंट एंड जो जो लेके जाने बोला सब कुछ लेके जाना। ठीक है, पानी बोतल अपना लेके जाना, वहां पे जाके गला सूखा हुआ बंदा क्या आप एग्जाम देंगे। इसके कारण आपका जो है पानी बोतल भी आपका साथ लेके जाना चाहिए। एंड उसके बाद जब टेस्ट देने देने शुरू कर दोगे तो फिर ओनली दुनिया में एक ही चीज आपके सामने दिखेगा, दैट इज टेस्ट एंड टेस्ट एंड टेस्ट, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। और दुनिया में कुछ नहीं देखना है, ना तो काउंट करना है कितना क्वेश्चन आपका हुआ। कुछ बंदा वही ढूंढता है, मैंने 100 करके आया। अरे तुझे किसने काउंट करने बोला 100 करना है? काउंट वहां पे बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन सामने देखा उतना आगे बढ़ जाओ, जो क्वेश्चन सामने देखा वो कर दो। जो डोंट टच क्वेश्चन देखा, DTQ जो होता है डोंट टच क्वेश्चन, वो बिल्कुल मत टच करना, वो टाइम खराब कर देगा। और टाइम खराब कर देगा, वो हो भी गया तब भी आपका टाइम के चक्कर में आपने 4 क्वेश्चन और गलत करके बैठोगे। इसलिए बोला था टाइम खराब करने वाला जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल टच नहीं करे,
ये एसएससी जेई वाला एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको 100% फोकस कराता है स्पीड, जिसका जितना तेजी स्पीड में एक्यूरेसी है। कुछ लोगों का स्लो स्पीड में एक्यूरेसी अच्छे है, ये बोलते नहीं स्लो स्पीड में एक्यूरेसी जो है हमें नहीं चाहिए, हमें तेजी स्पीड में एक्यूरेसी चाहिए। और जैसे मैंने पढ़ा रखा हूं, जितना मैंने पढ़ा के रखा हूं, वो एक भी क्वेश्चन मेरा जो पढ़ाया हुआ चीज है उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है, ये तो गारंटेड है। अब जो मेरे से जितना मतलब जो सब सब्जेक्ट अभी तक खत्म नहीं हो पाया वो तो आपको टाइम के कंस्ट्रेंट में मैं बता ही चुका था, जितना मैं कमिट किया था वो सारे मैं खत्म कर दिया हूं। मंडल जो कमिटमेंट किया था कि मैंने थर्मो पढ़ा दूंगा, मैं एफएम पढ़ा दूंगा, मैंने सोम पढ़ा दूंगा, सारे मैंने खत्म कर चुका हूँ। एचएमटी करा दिया आपका, अभी ये टोम चला रहा हूँ, ये सब सारे जो चीज़ें जो जो सब्जेक्ट मैंने इसका प्रोडक्शन का मोस्ट ऑफ द टॉपिक खत्म कर दिया। तो जो चीज है कि मेरे से जितना टाइम है उतना टाइम मैंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया हूँ, एंड जितना भी इससे पहले एग्जाम हुआ है, बीपीएससी हुआ है, जेपीएससी हुआ है, जितना भी एग्जाम हुआ है सारे एग्जाम ने एचपीसीएल हुआ है, कि जो टॉपिक मैंने मैंने पढ़ा दिया उसका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया, और एसएससी जे में भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। लेकिन जो टॉपिक मेरे से नहीं पढ़ा उसमें तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड ये बात ध्यान रखे कि अभी आपके पास और टाइम नहीं है कि नया कुछ पढ़े, जो आपने पढ़े है उसी को रिवाइज करें, नया बिल्कुल 5 दिन के अंदर न्यू चीज तो बिल्कुल ना पढ़े, सिर्फ जो आपने पहले पढ़े थे उसी को रिवाइज करते रहें। एंड एक ही बात है, जितना जिंदगी में खुश रहोगे, एग्जाम सेंटर में भी जितना खुश रहोगे, प्रफुल्लित रहोगे, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जितना स्ट्रेस लोगे आपका खुद का कैपेबिलिटी उतना कम हो जाएगा, उसके चक्कर में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मंडल कहता है खुश रहे और अपना काम करे, चाहे एग्जाम सेंटर हो चाहे घर हो, और खुश होकर अगर आप टेस्ट दोगे तो हाँ, एग्जाम सेंटर जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहला दिन ढंग से सोना बेहद जरूरी है, बहुत अच्छे से नींद होना बेहद जरूरी है। तो नींद ठीक से हो, दैट इज अ फर्स्ट थिंग। इसके लिए टेंशन नहीं लोगे तो ऐसे ही नींद ठीक होगा, अगर टेंशन नहीं लोगे आराम से नींद होगा, बहुत अच्छे से नींद होगा। दूसरा बात होता है कि सेंटर पहुंचने का जो टाइम है उससे पहले पहुंच जाना, मतलब वो रास्ते में अगर आपने लेट हो गया ना किसी हालत में, कहीं से भी अगर किसी चक्कर में लेट हो गया, इतना टेंशन आता है कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पाऊंगा, वो आपका जो है 5 क्वेश्चन तो खत्म कर देगा। स्ट्रेस लेना मतलब 5-7 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही वहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके चक्कर में आप जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए वेल इन एडवांस पहले वहां पहुंच जाए, पहुंच के आप बैठे, एंड उसके बाद बैठ के भी कुछ नहीं करना है, आप जो है जो शॉर्ट नोट्स है उसको देखते रहे, शॉर्ट नोट धीरे धीरे देखते रहे, नॉट इन द फास्ट स्पीड, धीरे धीरे शॉर्ट नोट देखते रहे, तो आप वहां पे जाके शॉर्ट नोट देखते रहना, बट जल्दी पहुंचना सेंटर में। ओके, चलो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब लोग फोड़ के आओ एसएससी जी।